नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के द 10 मिनट शो में। मैं उन्नति जैन आप सभी का कक्षा में स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्टूडेंट स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है द 10 मिनट शो में, जहां पर हम 10 मिनटों में प्रयास ये करते हैं कि कुछ एक ऐसा सेशन हो जाए जो कि आपकी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों का उत्तर दे दे। मतलब परीक्षाओं की कोई भी तैयारी कर रहे हो आप, SSC, बैंकिंग, आप किसी भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप MBBSC 23 जून के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये 10 मिनट्स तो जरूर देखिए। इससे जुड़े हुए प्रश्न वे प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसलिए 10 मिनटों में फौरी नजरों से सारे के सारे प्रश्नों को हमें देखना है। स्वागत है आप सभी का। अगर आप लोग वीडियो तक पहुंच चुके हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन सभी स्टूडेंट के बीच में जो सच में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और डिजिटल माध्यम से लाभ लेना चाहते हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है। आप सब टॉपिक देख पा रहे हो, भारतीय संस्कृति से जुड़ा टॉपिक है पहली बात। दूसरी बात, ये पूरी की पूरी परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाता है। अब जब पता है कि पूछा ही जाता है तो क्यों ना पढ़ लिया जाए। वो टॉपिक है त्योहार महोत्सव 2024। याद कर लो, 2 नंबर पक्के हैं। देखते हैं क्वेश्चंस और साथ में याद करते हैं। कुछ मैं आपसे भी प्रश्न पूछूंगी जिसका उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो चलते हैं आगे, वीडियो को बनाते हैं। 10 मिनट शो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दिया करो ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ सके। टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग विनर्स इंस्टीट्यूट के जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ हम बात करते हैं प्रमुख उत्सव और त्योहारों की। एक एक करके अपने करंट अफेयर्स के नोट्स खोल लीजिए और एक एक करके दिमाग में और नोट्स पे छाप लीजिए। खजुराहो 50वां नृत्य महोत्सव, 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव की बात की जाए दोस्तों, तो ये जिला छतरपुर और राज्य होगा हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इसका जो है वो आयोजन किया गया, प्रतिवर्ष ही आयोजन किया जाता है। प्रतिवर्ष फरवरी माह में इसका आयोजन किया जाता है, जहां पर भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की झलक देखने को मिलती है। तो खजुराहो डांस फेस्टिवल, जिसे सबसे बड़ा नृत्य समारोह भी कहा जाता है, याद रखना। आगे बढ़ेंगे, असल मेरू महोत्सव अगर आपकी परीक्षा में आएगा तो सबसे पहले इसका अन्य नाम जरूर याद कर लेना दोस्तों। अन्य नाम जो है इसका वो है डेथ डेजर्ट फेस्टिवल, क्योंकि परीक्षा है और परीक्षा में हमें हर एक तरीके से उसके नजरिए को चेक करना होगा कि वो कहां कहां से प्रश्न पूछ सकता है। अगर हम बात करें तो ये असल मेरू महोत्सव पोखरण राजस्थान में आयोजित किया गया है। 2024 की ही बता रही हूं, है ना, हम कोई बहुत पीछे नहीं गए हैं। हम 2024 के ही प्रमुख त्योहार और महोत्सव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं विविधता का अमृत महोत्सव, तो विविधता का अमृत महोत्सव जो आयोजित किया गया दोस्तों, वही नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और एक बात और करंट अफेयर्स के लिए याद करके जाना कि इस समारोह का जो उद्घाटन किया गया था, वो उद्घाटन किया गया था दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी आप लोगों को याद रख लेना चाहिए ताकि यहां से प्रश्न आए तो बन जाए। उम्मीद करती हूँ ये तीनों तथ्य आपको यही के ही याद हो गए होंगे। अब मैं बढ़ती हूँ आगे, जैविक संतरा महोत्सव, ऑर्गेनिक ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड में आयोजित किया गया। याद रख लेना, परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है। कार्वी युवा महोत्सव जो आयोजित किया गया दोस्तों, असम राज्य में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव राजस्थान में आयोजित किया गया। कमेंट सेक्शन में बताना राजस्थान के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव आयोजित किया गया, मैं आपके उत्तर का वेट करूंगी, याद रखना। आगे बढ़ू, 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल। इस हॉर्नबिल फेस्टिवल को त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, त्योहारों का त्योहार भी इस हॉर्नबिल फेस्टिवल को कहा जाता है। महोत्सवों का महोत्सव जो कि आयोजित किया जाता है दोस्तों नागालैंड में, याद रखना। अगर आप लोगों ने इसके पहले के SSC रेलवे एग्जाम्स के क्वेश्चंस देखे होंगे, एक ना एक क्वेश्चन यहां से तो पक्का पूछा जाता है। जब पता है पूछा जाता है तो सीरियसली पढ़ लो, ठीक है। LN बुक फेस्टिवल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चांद सितारे लगा लेना। LN बुक फेस्टिवल अबू धाबी में आयोजित किया गया, ये भी आपको याद में रख लेना चाहिए। अबू धाबी
में लोसर महोत्सव, हेमिस महोत्सव लद्दाख में आयोजित किया गया, ये भी आपको याद रख लेना चाहिए, लद्दाख लोसर और हेमिस महोत्सव। आगे बढ़ू अगर दोस्तों, तो काटी बिहू पर्व या अंबुबाची पर्व, अगर बिहू है तो फिर असम के बिना तो छूटेगा नहीं, तो असम याद कर लेना अंबुबाची पर्व और काटी बिहू के लिए। फूलदेही पर्व या हरेला, हरेली नहीं पूछ रही हूं, कमेंट डाउन बिलो हरेली पर्व कहां मनाया जाता है, जिसने बताया उसको बहुत सारी शुभकामनाएं यहां से भेजी जाएंगी। तो आपसे पूछा जा रहा है फूलदेही पर्व और हरेला, ये दोनों ही पर्व उत्तराखंड में मनाए जाते हैं, ये भी याद रख लेना उत्तराखंड को, देवों की भूमि। छेरछेरा महोत्सव के बारे में अगर पूछा जाए तो छेरछेरा छत्तीसगढ़, जल्दी मेरे साथ बोलो, एक ही शब्द है, याद होने की संभावना साथ में है, छेरछेरा छत्तीसगढ़, छेरछेरा छत्तीसगढ़ याद रखना। आदिपुरम महोत्सव पूछा जाए या फिर आदिपुरम त्योहार पूछा जाए, फोकस करना होगा हमें इस पे, आदिपुरम त्योहार जो है वो तमिलनाडु का है, कहाँ का है बेटा, तमिलनाडु का है। गणगौर पर्व मुख्य रूप से तो देखो राजस्थान में मनाया जाता है, इसके अलावा मध्य प्रदेश के भी पश्चिमी क्षेत्रों में और भी कई राज्यों में मनाया जाता है, लेकिन अगर प्रमुख बोली जाए तो राजस्थान याद रखना गणगौर में। हैरत त्योहार अगर पूछा जाता है तो चांद सितारे इस पर प्रश्न पर लगा लो, क्योंकि ये मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में, कहां मनाया जाता है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में, याद कर लेना। आज के त्योहारों महोत्सव वाली क्लास से 2 नंबर पक्के होने वाले हैं, फोकस होके पढ़ना। आगे बढ़े, संगई महोत्सव या फिर योज डंग त्योहार कहां मनाया जाता है, चांद सितारे कहां पर दोस्तों, तो मणिपुर में मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तोखू इमोंग पर्व, तोखू इमोंग पर्व जो मनाया गया वो नागालैंड में मनाया गया, याद रखना। प्रकाश स्तंभ उत्सव, गो गो गोवा, गोवा राज्य में प्रकाश स्तंभ महोत्सव मनाया गया, ये भी याद रख लेना। बिहुला उत्सव, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी ऑल एग्जाम, बिहुला को याद करना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिहुला का उत्तर देना, जिसने उत्तर दिया उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं मिलेंगी भैया, है ना। बिहुला, अब मैं आपको हिंट दू, बी से ही इसका प्रोनंसिएशन है, अब क्या ही बताऊं, ठीक है। त्रिशूर पुरम उत्सव मनाया जाता है दोस्तों केरल में, त्रिशूर पुरम उत्सव मनाया जाता है केरल में, और काला घोड़ा कला, काला घोड़ा कला मुंबई में, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है कि काला घोड़ा है, मुंबई के एक स्थानीय काला घोड़ा नामक वहां पर यह उत्सव मनाया जाता है, इसलिए इसका नाम हो गया काला घोड़ा, ऐसा मत सोचना कि काला घोड़ा की रैलियां निकलती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पे, ओणम उत्सव, जल्दी कमेंट सेक्शन में बता दो भैया, ओणम तो भैया केरल में ही होगा, इसमें कोई दो मत है ही नहीं। ओभोली उत्सव अगर पूछा जाए तो याद रखना सिक्किम के लिए, ओभोली उत्सव सिक्किम के लिए। और उगादी पर्व पूछा जाए तो उगादी पर्व को याद रख लेना है कर्नाटक में। मैं उम्मीद करती हूं कि मैंने आपके 10 मिनटों को जाया नहीं होने दिया होगा और पूरा प्रयास किया होगा आपको सारे सारे त्योहार बनाने के लिए। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, हमने करीब 20 से ज्यादा त्योहार एक ही कक्षा में पढ़ लिए हैं, और ये सारे त्योहार कहां आयोजित किए गए हैं इनको जरूर जरूर याद कर लेना, और जब परीक्षा में आए तो एक छोटी सी मुस्कान के साथ आप लोग बता देना कि भाई ये तो हमने पढ़ा हुआ है। मैं उम्मीद करती हूं कि आज का 10 मिनट शो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना सभी अभिन्न इष्ट मित्रों के बीच में, और ये 10 मिनट शो आपको कैसा लगा है मुझे जरूर जरूर बताना, ताकि ऐसे ही जर्नी और आगे बढ़ते चले। मैं मिलूंगी आप सभी को सुबह 8 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास में, और सुबह सुबह 9 बजे विनर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर विद द 10 मिनट शो। तब तक ले सभी को टाटा बाय, जय हिंद।